ईटीवी नेटवर्क देख रहे हैं। सुनो ताजा खबर। जनाब मैंने मटका लटकाकर ऐसा निशाना मारा कि मटका तो लटका रहा, पानी सारा बह गया। अरे वाह भाई वाह, ये भी कोई निशाना हुआ है? मैंने भी ऐसे ही निशाना मारा था। अच्छा। तो पता है क्या हुआ, मटका तो जमीन पे आ गया, पानी लटका रह गया। अरे तूने मेरा चश्मा भी तोड़ा था पिछले हफ्ते, याद है तुझे? नहीं दादाजान, वो तो बिलाल बाबू ने ना तजर्बा करते हुए तोड़ा था। चलिए छोड़िए दादाजान, एक चीज बताएं, आखिर आप इतने सारे चश्मे रखते ही क्यों हैं? एक चश्मा तो मैं दूर की चीजें तलाश करने के लिए रखता हूँ, और एक चश्मा मैं करीब की चीजों के लिए रखता हूँ, और एक चश्मा धूप से बचने के लिए रखता हूँ, और चौथा चश्मा खुर्दबीनी चश्मा है, ऐसी खुर्दबीनी अशिया को ढूंढने के लिए रखता हूँ मैं। और पांचवा चश्मा मैंने इन चारों चश्मों को ढूंढने के लिए बिलखुसूस रखा हुआ है। अरे हिलाल बिलाल, ये खिड़की का शीशा कैसे टूटा? इन सैदू में है ना शॉर्ट मार के तोड़ा, दादाजान से पूछ लें। अरे ये बेचारा कैसे तोड़ेगा, इससे तो तुम लोग सिर्फ फील्डिंग ही कराते हो। आप सही कह रही हैं, मैं उठा बिल्कुल सही कह रही हैं। चलो फौरन उठो, चलो स्कूल का होमवर्क करने बैठो। चलो पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो निकम्मे रह जाओगे, पता है? हाँ सही कह रही हैं। अच्छा बच्चों तुम लोग जाकर होमवर्क करो, हम भी थक गए हैं, अब हम भी कुछ आराम करेंगे। यार मैं भी जाऊँ। आ जाओ और अच्छी सी चाय बनाकर लाना मेरी ख्वाबगाह में। आ जा बच्चे, भाई एकदम ताजा वाला माल है, लौकी माल है, भिंडी है, करेले है। वालेकुम सलाम, हाल है? हाल बहुत अच्छा है। चाचा करेले कैसे हो? देखो भैया मेरे से मजाक मत करो, बताता हूँ। सही है काम करो। बीबी जी रहे भाई, एक किलो टमाटर दीजिए, लेकिन जरा सख्त होने चाहिए। अरे बिटिया ये टमाटर इतने सख्त होंगे कि किसी के सर पे मारो तो उसका सर फट जाए। हाँ कैसी बातें कर, पकाने के लिए चाहिए, सर फोड़ने के लिए चाहिए। देखो मैं हम आगे तो बोल दिया, तुम खबरदार बेटी बकवास नहीं करोगे तुम। हाँ बेटी काट का चाहिए, और एक किलो आलू भी, लेकिन मीठे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। बेफिक्र रहो बिटिया, इतने मीठे जैसे गुलाब जामुन। क्या बातें कर रहे हो गुलाब जामुन, मैं हमें गुलाब जामुन चाहिए होगी तो कॉर्नर वाली दुकान से लेंगे, मिठाई की दुकान से, तुम्हारे पास क्यों आएंगे? मियाँ तुम फबरदार लाली नहीं करो, बता रहा हूँ कैसा मेरा गुस्सा बहुत ठंडा है। हाँ बिटिया और क्या चाहिए? और एक एक गड्डी ना हरा धनिया और पुदीना की भी दे, लेकिन हरा होना चाहिए, एकदम हरा होगा और काम में खरा होगा, लेम्बू की तरह रस भरा होगा। लेम्बू तो बिटिया नहीं, इसका तो हमारे घर पौधा लगा हुआ है। तुम भी डराते हो यार सेतू, क्या हो गया? मेरा दिल डर गया यार, मैंने कहा बिल्ली ने झपट्टा मार दिया। तुम्हारे क्या हाल है? मेरा बहुत बुरे हाल है। क्यों? वो जब से हिलाल और बिलाल की छुट्टी हुई ना, उन्होंने मुझे बड़ा तंग रखा है। उन्होंने तंग कर दिया? हाँ। क्यों भाई? या वो बड़े मुश्किल सवाल करते हैं मुझसे, अगर मैं जवाब नहीं देता ना तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम बेगम साहब से साफ से शिकायत करते हो उनकी? नहीं भाई नहीं, मैं शिकायत नहीं करता, वो मेरी पिटाई हो जाती है। पता है वो आजकल दोनों
अबे तो भाई मेरे पर ट्राई क्यों कर रहे हो कराटे? वैसे अल्लाह का शुक्र है भाई, मेरे को तो बड़ा अच्छा घर मिला है। इतना ख्याल रखते हैं बेगम साहबा और साहब मेरा कि बताओ नहीं। और पता क्या, जब भी मैं सब्जी लेने जाता हूँ ना, छोटी बीबी मेरे साथ आती है, ताकि मैं कोई चीज भूल जाऊँ तो ये मुझे याद दिलाती है। क्यों बीबी जी? देखो अच्छा चलो मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। मैंने भी सुन लिया, लीड ली है मैंने। सैदू, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं आईने में ये देख रहा था कि मैं सोते हुए कैसे लगता हूँ। सैदू तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होता। सुनो हा? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना तो फिर सुनो, ये मजाक नहीं होता, उसे कह दूंगा। अच्छा चलो छोड़ो यार, ऐसा करते हैं आज गपशप कर। अच्छा क्या करूं? अच्छा ऐसा करो, हमारे सवाल का जवाब दे दो। दूध से बनी हुई 5 चीजों के नाम बताओ। लस्सी, चाय, मिल्कशेक और 2 पैसे। चलो मैं ही तुम्हारी मालूमात में इजाफा करता हूँ। पता है एक ऐसी चीज इजाद हुई है जिसको दीवार में लगाने से दूसरी तरफ का मंजर साफ नजर आता है। वो कौन सी चीज है? अरे बेवकूफ, खिड़की। अच्छा वो तो खिड़की में बोलने वाला था। अच्छा ऐसा करो, अब मेरी बारी है, तुम मेरे सवाल का जवाब देना है। अगर मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया ना तो आपको मुझे 10 रुपए देने होंगे। अगर हमने दे दिया तो तुम्हें भी हमें 10 रुपए देने होंगे। लाल बिलाल तुम्हें मालूम ना, मैं तो बहुत गरीब आदमी, मैं 1 रुपया दे दूंगा। चलो ठीक है। अच्छा चलो पूछो। पूछो अच्छा ये बताओ कि वो कौन सा जानवर है जिसकी 5 आंखें और 6 टांगे, 1 पैर और 10 दुमे होती है? बताओ जल्दी बताओ। तो गूंगे हो गए, तुम दोनों गूंगे हो गए, बता नहीं रहे। चलो ये लो 10 रुपए। है हार मानी? हार मान गई, ठीक है। अब तुम बताओ। मैं बताऊं? मुझे भी पता नहीं, ये 1 रुपया ले लो। ठीक है, हम दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान बनेंगे। पहले से बड़े तो बन जाएं। अगर ये तजुर्बा कामयाब हो गया तो दुनिया में कोई भी काला नहीं रहेगा, इसे लगा के सब गोरे हो जाएंगे। अरे क्या सो रहे हो यार, सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आओ जल्दी। कौन सा है यार? वो वाला है वो जो, हाँ ये, हाँ ये, ये? हाँ ये लेकर आओ जल्दी। जिंक पाउडर, जिंक पाउडर, जिंक पाउडर जल्दी, वो वाला ये। अब जल्दी जाओ यार, नमक लेकर आओ जल्दी। नमक? नमक भागो जल्दी। कहाँ से? क्या भैया किचन से लेकर आओ, कहीं से भी यार जल्दी भागो। ये तुम्हारे दोस्त आ गए। ये सभी मुवशिर क्या हाल है? ठीक है, ये क्या कर रहे हो? ये हम तजुर्बा कर रहे हैं। ओ भाई नहीं पकड़ो, करंट लग जाएगा तुम्हें। अरे भाई ये तो तजुर्बा कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। भागो। अरे अरे वो तो भाग गए डर के मारे। अरे सैदिया नमक कहाँ है? नमक? नमक भाई कितनी दफा मांगेंगे आप? यार तुम लाए नहीं? नहीं मिला मुझे। यार तुम्हें कोई चीज मिलती है क्या? क्या करूँ, नहीं मिलती, मैं ढूंढ के लेके आता हूँ दोबारा। डालो अब बस, ये 2 तार मिलाने की देर है। स्विच ऑन करो।
भूत के बच्चे ये हम हैं। कौन है? ये आप बिलाल और हिलाल है। मैं तो समझा था आज भूत ही आ गया। गोरा करने चले थे, खुद काले हो गए। देख लिया आप लोगों ने उल्टे सीधे तजर्बे करने का अंजाम। क्या बात है? अरे बहू, ये क्या शोर हो रहा था? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। अरे होगा कोई हिलाल बिलाल का चलाया हुआ चक्कर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो तंग आ गई उनकी हरकतों से। अरे बहू, तुम तो ऐसे ही गुस्सा करती हो। देखो भाई, गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, तो फिर और क्या करेंगे? मैंने हजार बार समझाया है बच्चों को कि खेल कूद के साथ साथ छुट्टियों का होमवर्क भी कर लिया करें, मगर उनके तो कान पर जू ही नहीं रिंगती। फिर? अरे अब्बा से भी कहा था, मगर वो भी खास तवज्जा नहीं दे रहे इस मामले को। अच्छा, जब तक आप खुद इस बारे में सख्ती से ताकीद नहीं करेंगे, वो अपनी छुट्टियां इसी तरह बर्बाद कर देंगे खेलकूद में। कहती तो तुम ठीक हो नुसरत, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? तुम्हें पता है कि मुझे वक्त कहां मिलता है, बताओ। कल आपकी छुट्टी है, जरा खबर लीजिए ठीक से। जरूर लेंगे हम उनकी खबर और समझा भी देंगे उनको, लेकिन जरा प्यार से, मोहब्बत से, एक अच्छे माहौल में। क्या मतलब? नुसरत, ऐसा करते हैं कि हम सब लोग पिकनिक पे चलते हैं, वही मुज़ाकरात कर लेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश भी करेंगे, शायद उन्हें समझ में आ जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, ख्याल तो ठीक है। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हमने भी तो एक दफा किया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ऐसा धुआं की तरह तौबा कर ली। अरे भाई, शुरू में ऐसा ही होता है। कल हम जा रहे हैं हिलाल बिलाल से मिलने। हाँ, जाओ जल्दी से देख के उनको। अरे हिलाल बिलाल उठ गए हैं भाई? नहीं, वो नहीं उठते। क्यों भाई? अरे गजब खुदा का, 9 बज गए हैं। जाओ जल्दी से उठाओ। हाँ? उनको आज पिकनिक पे जाना है। अच्छा, जाओ जल्दी आओ। अच्छा, जा रहा हूँ, जल्दी जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे जल्दी जाओ भाई। अरे अरे, क्या हो गया? अरे भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? वो नहीं उठ रहे राम जी। उन्होंने ना मेरे को ना डांटा भी और एक ऐसा पंच लगाया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हटो तुम, मैं खुद जाके उठाता हूँ। अरे भाई, मैं नहीं जा रहा पिकनिक विकनिक पर, बहुत बेआराम रहा हूँ मैं रात भर। हम तैयार हैं। चलिए। हाँ, अच्छा भाई, तुम लोगों की सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है? टीवी का केबल निकाल दिया है ताकि सहेल टीवी ना देखता रहे, और फ्रिज लॉक कर दिया है ताकि माई चॉकलेट ना खा जाए, और अलमारी भी बंद कर दी है। हद हो गई, ये तैयारियां की हैं तुम लोगों ने? एक तो बेचारे सैदू को पिकनिक पर नहीं लेके जा रहे, और ये क्या कम जुर्म है? जाओ सब चीजें खोलो जाके। चलो भाई, चाबी अंदर रखी हुई है, अभी चले, वही बहुत वो उलझन आएगी। चले। क्या बात है बेटा, किससे मिलने आयो? वो जरा हिलाल बिलाल को भेज दीजिए। हिलाल बिलाल तो घर में है नहीं। है? नहीं नहीं, कहाँ गए? मैं उधर सुबह से पिकनिक में गए हैं समंदर के किनारे। ओह, इसका मतलब है वो लोग सालाना कराटे शो में हिस्सा नहीं ले सकते। और आज तो फॉर्म जमा कराने का आखिरी दिन है, और अब तो सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें यार? हमें पूरी उम्मीद थी जूनियर्स में वही जीतेंगे और तरक्की की बेल्ट भी जरूर हासिल करेंगे। वो इस मुकाबले के लिए तैयारियां तो बहुत कर रहे थे। अच्छा, ऐसा करो, आप जाके देखो, शायद आपको मिल जाए। 2 कागज होंगे। अच्छा। और उन पर उनकी तस्वीर लगी होगी। अच्छा, लेके आ जाए आप। हाँ, साथ में 50-50 रुपए फीस की भी ला दें। अगर आप ला दे तो हम फॉर्म भी जमा करा दें। 50-50 रुपए फीस की।
दादाजान। हाँ दादाजान, ये फॉर्म तो मिल गए मगर पैसे। पैसे फिर मैं देखता हूँ, शायद मेरी जेब में। एक मिनट जी, अब मसला भी तो हल करना है ना। हाँ जी। अरे वो अलमारी तो लड़के लॉक करके चले गए। ओहो, खैर अब खुद ही भुगतेंगे। वो कैसे दादा? भाई जब अगले साल तक उन्हें येलो बेल्ट का इंतजार करना पड़ेगा ना। हाँ? फिर समझ आएगी उन्हें। ये लो भाई, ये लो। हाँ हाँ यही है फॉर्म, और भरा वो भी देखो मुकम्मल है। और पैसे? पैसे सोचा था पैसे जमा हो जाएंगे तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन इससे पहले ही मुझे अच्छा आदमी बनने का मौका मिल रहा है तो क्यों जाए कम से कम। ये पैसे हैं, मेरा ख्याल है 100 से ऊपर ही होंगे, ये लो उठा लो। अरे अब्बा खैरियत तो है, आप क्यों लेटे हुए? क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे भाई बैठिए, आप बैठिए, आइए। क्या बात है? अरे भाई तुम लोग तो पिकनिक मनाने साहिले समंदर पर चले गए। अच्छा, मेरी तो आलमे अरबा की पिकनिक होने वाली थी, यानी मेरी तबीयत तो इस कदर बिगड़ गई, हार्ट पल्पिटेशन इस कदर बढ़ गया, दवाइयां भी बिल्कुल लॉक तुमने कर दी फ्रिज में, अलमारियां बंद, हर चीज बंद। वो तो अल्लाह भला करे सैदू मियां का, ये मिर्जा साहब के घर गया और वहां से मेरी दवा लेकर आया, वो भी इत्तफाक से वही दवा लेते हैं, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। हम सभी अकल के अंधे हो गए थे। अरे सैदू, ये वहाँ गमला कैसे टूटा हुआ था? साहब जी, वो दो लड़के आए थे कराटे के फॉर्म लेने। अच्छा। मैंने फॉर्म तो उनको दे दिए मगर वो पैसे। अरे उसकी तो आखिरी तारीख थी, इसका मतलब है कि हमारा पूरा साल जाया हो गया। नहीं वही नहीं, वो जो मैंने गुल्लक में पैसे जमा किए थे ना और कर रहा था पढ़ाई के लिए, वो निकाल के मैंने उनको दे। यानी कि हमारे फॉर्म जमा हो गए? जी। अरे सैदू यार तुम बहुत अच्छे हो, माफ कर दो। हमने माफ कर दिया आप। चलो शुक्र है बच्चों, तुम लोगों को अकल तो आई। देखा तुमने, सैदू मियां आड़े वक्त में आपके दादा के काम भी आया और आप दोनों के काम भी आया। शुक्रिया अदा करो और माफी भी मांगो। शुक्रिया सैदू। नहीं कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है, माफ कर। Wow, wow, wow.